जौनपुर में मड़ियाहू विकास खंड से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भोजपुरी फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाने वाले अभिनेता पप्पू यादव की पत्नी रेखा यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्दल प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद रेखा यादव ने निर्दल प्रत्याशी के तौर पर ही ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन किया है। सपा से ज्योति यादव ने नामांकन किया है, जबकि भाजपा अपना दल गठबंधन से अपना दल की उम्मीदवार उषा पटेल ने नामांकन किया है। यहां से अभिनेता पप्पू यादव की पत्नी के नामांकन से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब भी वो गांव आते हैं यहां की स्थिति देख दुख होता है, ऐसे में गांव में विकास के लिए अपनी पत्नी को राजनीति के मैदान में उतारा है। वहीं उनकी पत्नी रेखा ने भी जीत के बाद विकास करने का वादा किया है। राजनीति में हूँ मैं तो आज समाज का सेवा ही करूँगी। पति हमारे अभिनेता हैं, तो अभिनेता भी हैं वो और सोशल काम भी करते हैं, सामाजिक काम भी करते हैं। मैं भी राजनीति में उतनी हूँ तो मैं भी हमारी समाज के लिए काम करना चाहती हूँ। चुनाव लड़ रही हैं ब्लॉक प्रमुखी का, एक बार आप लोग सेवा करने का अवसर दीजिए। और मैं आता हूं भैया गांव तो देखता हूं यहां विकास नहीं कुछ हुआ है, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है भैया। मेरा ये होम टाउन है, तो हर आदमी चाहता है कि अपना होम टाउन जो है प्रगत करे और हमारे यहां रास्ता निकले और रोड बने अच्छा, जो है चकाचक जो है लाइट यहां जो है व्यवस्था हो अच्छी। मैं भैया जब रास्ते से निकलता हूँ ना, तो रास्ते में जब देखता हूँ कि बहन बेटियाँ जब शौचालय करने के लिए रास्ते में बैठी रहती है ना, मुझे इतनी पीड़ा होती है, मैं क्या कहूँ। इस पीड़ा को देखते हुए मैं अपनी वाइफ को आप लोगों के बीच उतारा हूँ और आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि इसको जीता के लाइए और फिर यहाँ काम आप लोगों के बीच होता है। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों के साथ, और हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। किसी पार्टी से निर्दल? नहीं, निर्दल होंगे, निर्दल। और जिला पंचायत आप लोगों ने निर्दल जिताया है, और एक बार आशा यही है कि आप लोग जो है निर्दल इसको भी जिताएंगे ब्लॉक। काफी लोग हैं, काफी लोग हैं सब जो है। देखिए हमारे बीडीसी हैं, ये हमारे जो बीडीसी हैं भैया हैं। आप अपने बारे में बताइए।